नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग में अक्सर वीआईपी जनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस सड़क पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। बोदरी नगर पंचायत कई स्थानों पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बिलासपुर रायपुर मार्ग से लगे चकरभाटा एयरपोर्ट सड़क के हालात इन दिनों बिगड़े मालूम पड़ रहे हैं। सड़कों पर बेतरतीब वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध होने के साथ ही हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत बोदरी द्वारा कई दुकानदारों को सड़क के किनारे से हटाकर व्यवस्थित किया गया था, मगर इसके बाद भी व्यवस्था जस की तस हो गई है। बात करें चौक चौराहों की, तो नो पार्किंग जैसे स्थानों पर गाड़ियों का अंबार लगा रहता है। ऐसे स्थानों पर कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। गौरतलब है कि सड़क पर वीआईपी जनों का आगमन जैसे ही होता है, तत्काल में निकाय, स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस सड़क को दुरुस्त करने निकल पड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि यहां की बिगड़ी व्यवस्था कब तक सुधरती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग के ब्रिज में लाइट कई साल से बंद है। लगभग 40 गांव के लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। शाम होते ही इस ब्रिज में हादसे के साथ लूटपाट की घटना बढ़ जाती है। लाइट बंद होने से ब्रिज पर हमेशा असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। ऐसा नहीं कि ब्रिज पर लाइट बंद की जानकारी अधिकारियों को नहीं है, मगर अधिकारी मौन साधे हुए हैं। उसलापुर रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार सुबह 11 बजे बीटीपीएन एवीएए उसलापुर स्टेशन के लाइन नंबर 2 पर आई। इस गाड़ी में कार्यरत ऑन ड्यूटी गार्ड एके स्वर्णकार और लोको पायलट विक्रम सिंह द्वारा जांच करने पर पाया गया कि ब्रेक यान से 23 नंबर वैगन एनएफ के रियर साइड का एक पहिया गर्म एक्सल होने के कारण उसके पैड से धुआं निकल रहा है, जिसकी सूचना तत्काल स्टेशन मास्टर उसलापुर को दी गई, जिनके द्वारा आरपीएफ उसलापुर की उपस्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पकड़ रहे आग को बुझाया गया। उक्त वैगन को काटकर उसलापुर स्टेशन में स्टेबल किया गया, जिसमें क्रूड ऑयल लोड है। घटना में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हादसा हो सकता था। दरअसल मालगाड़ी में ऑयल लोड था, जिसे एक चिंगारी तबाही मचाने के लिए पर्याप्त थी। इस घटना की जांच कराई जा रही है। जिला और नगर साहू संघ के संयुक्त तत्वाधान में साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन और शपथ समारोह का आयोजन शनिवार को देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ मां कर्मा के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान सामाजिक स्मारिका मिलाप पत्रिका का विमोचन भी किया गया। देवकीनंदन सभा भवन में शनिवार को जिला व नगर साहू संघ का युवक युवती परिचय सम्मेलन व शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न जिलों से आए युवक युवतियों ने भावी जीवन साथी के लिए मन की बात रखते हुए परिचय दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां कर्मा की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में और सामाजिक गतिविधियों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि बिलासपुर सांसद अरुण साहू ने साहू समाज को सामाजिक एकता और मजबूत संगठन बनाए रखने, आपसी तालमेल व भेदभाव भूलकर काम करने का आह्वान किया। युवक युक्ति परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज के लोगों का समय और राशि की भी बचत होती है रिश्ता ढूंढने में, और आज इस अवसर पर मिलाप पत्रिका का भी हम सब लोगों ने विमोचन किया है। निश्चित रूप से समाज के लोगों को रिश्ता जोड़ने में मददगार होगा, समय और पैसे की बचत होगी, और हमारे बच्चों में आत्मविश्वास भी आ रहा है, वो मंच में अपना परिचय दे रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू, प्रमुख अतिथि के रूप में थानेश्वर साहू, पिछड़ा वर्ग आयोग अटल श्रीवास्तव, पर्यटन मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, महापौर रामचरण यादव, बेतरा विधायक रजनीश सिंह, शहर विधायक शैलेश पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन सामाजिक हित में आवश्यक है, इससे सामाजिक कुरीतियों पर विराम लगता है,
साहू समाज की एकता और संगठन के विषय में कहा गया कि भविष्य में भी ऐसे ही संगठित रहकर समाज को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जब सामाजिक ताना बाना संगठित होगा तभी प्रदेश समृद्ध होगा। नगर से लेकर प्रदेश का एक व्यवस्थित समाज, और जब कोई समाज व्यवस्थित होता है तो निश्चित तौर पे वो समाज प्रगति करता है, न केवल स्वयं की प्रगति करता है बल्कि अन्य समाजों को साथ लेकर पूरे प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देता है। जिला साहू संघ व नगर साहू संघ के द्वारा वे युवक युक्ति परिचय सम्मेलन व शपथ समारोह का कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया गया है। हमारी समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उसमें जैसे मृत्यु भोज में हम लोग पूर्ण रूप से मीठा प्रतिबंध कर रहे हैं, उसमें एक तस्मई के रूप में खीर जो रहता है वह खीर खिला सकते हैं, और जैसे हमारी विधवाएं माता हैं बच्चों को जन्म देती हैं, जिस समय वह बच्चों का शादी करते हैं तो उस समय उनको मोर सौंपने का जो अधिकार नहीं था उसको भी अधिकार हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने 7 तारीख को राजीव महोत्सव में दिए हैं। अतिथियों ने कहा कि साहू समाज का संगठन विशाल संगठन है, उनकी सामाजिक एकजुटता दूसरे समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। जिला साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर तिलक राम साहू और महामंत्री पप्पू साहू का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी अहम योगदान रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक समेत समाज के लोग उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के तहत आने वाले ग्राम पंचायत रहेंगी में गौठान निर्माण का काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि गौठान के बन जाने से सड़कों पर मवेशी नजर नहीं आएंगे, जिससे हादसे में कमी आने का दावा किया जा रहा है। जनपद बिल्हा के तहत आने वाले ग्राम पंचायत रहेंगी में गौठान निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। यहाँ मवेशियों को सुरक्षित रखने फेंसिंग तार से चारों तरफ घेरा बनाया गया है। जानवरों की सुरक्षा और खाने के लिए शेड और पैरे का इंतजाम कर लिया गया है। सरपंच लक्ष्मी प्रसाद का कहना है कि अभी फिलहाल पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस गौठान में कुछ लोगों के द्वारा बेजा कब्जा भी किया गया है, जिसे जल्द हटाने पत्र व्यवहार किया गया है। मवेशियों के लिए हमारे पास पर्याप्त पैरा का भी व्यवस्था करके रखे हैं। ये हमारे यहाँ रात्रिकालीन मवेशी आश्रय सेट बन रहा है, जो NH 130 में जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। अब शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से अपन काम करेंगे। पानी का अभी नहीं हुआ है, पानी अभी व्यवस्था करवा रहे हैं, बात हुआ है सर से। हम आपको बता दें कि रहेंगी ग्राम पंचायत की भूमि आधे से ज्यादा नेशनल हाईवे से लगी हुई है। अक्सर देखा गया है कि घरों से मवेशियों को छोड़ते ही सीधे वे नेशनल हाईवे सड़क पर पहुंच जाते हैं। तेज रफ्तार वाहन मवेशी और वाहन चालकों के लिए हर पल खतरा बने रहते हैं। गौठान के बन जाने से काफी हद तक हादसे में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। लोकसोल टीवी के लिए बिल्हा से धीरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के सामने बनी नाली का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसका निर्माण कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, मगर अस्पताल के मुख्य गेट के सामने बनी नाली को तोड़ना वर्तमान में उचित नहीं है, क्योंकि गेट के अगल बगल अभी नाली निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन गेट के सामने नाली के नाम पर आने जाने वाली सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे हॉस्पिटल आने जाने वाले मरीजों के लिए यह मुसीबत बन गया है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चकरभाटा कैंप में बस के पहुंचते ही लोग स्वास्थ्य का लाभ लेते नजर आए। शासन की इस पहल से अब लोगों को स्वास्थ्य की सेवा घर घर मिलने लगी है। चलती फिरती स्वास्थ्य योजना का लाभ राहगीर भी उठा रहे हैं। इलाज के साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जा रहा है। स्लम स्वास्थ्य योजना लोगों को खूब भा रही है। सिम्स के कारगुजारियों से सभी वाकिफ हैं। एक सप्ताह पहले सिम्स के पास ये बहाना था
कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इसलिए मरीजों का उपचार प्रभावित हो रहा है। मगर अब तो हालात ये हैं कि यहां बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को बैरंग लौटा दिया जा रहा है। इसका कोई ठोस कारण भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में स्मार्ट कार्ड से गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि उन्हें सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। सिम्स में बने वाहनों के शेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यही कारण है कि यहां रखे वाहनों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे ने जानकारी दी कि शेड को पूरी तरह उखाड़ कर नए शेड निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया है। जल्द ही यहाँ नए शेड का निर्माण किया जाएगा। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ के जो शेड से काफी पुराने हुए हैं, अब वो नीचे से उखाड़ भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, तो उसके रिपेयर के लिए हमने PWD को लेटर लिखा है और वो प्रक्रिया में है। जैसे ही होगा तो फिर काम चालू करेंगे उसे। जूना बिलासपुर से लेकर अरपा नदी तक ज्वाली नाला पर सड़क का निर्माण कराया गया है। सड़क के किनारे खंभे भी लगाए गए हैं, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन खंभों में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण रात्रि में अंधेरा रहता है। कभी भी इस मार्ग पर दुर्घटना हो सकती है। आधे अधूरे निर्माण के साथ ही सड़क पर लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। यही नहीं, बीचों बीच पानी की पाइपलाइन गुजरी हुई है, जिसे अब तक नहीं हटाया गया है। इसके ऊपर बड़े वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। शनिचरी बाजार के मछली मार्केट के सामने वाली सड़क पर सीवरेज का काम लगभग महीने भर से चल रहा है। कछुए की गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते व्यापारी और आमजनों को यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह हो या शाम, यहां हर वक्त जाम की स्थिति बनती है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 27 जनवरी की रात सड़क किनारे जली हालत में मिली महिला की इलाज के दौरान सिम्स में मौत हो गई। महावीर नगर मंगला बाईपास के पास एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई मिली थी। सूचना पर डायल 112 और 108 एम्बुलेंस पहुंची। सिविल लाइन की टीम भी मौके पर जाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला 70% तक झुलस चुकी थी, जिसके चलते उसका बयान नहीं हो पाया था। टीम को आसपास की कॉलोनियों में लगे CCTV कैमरों की जानकारी जुटाने कहा गया है, जिसके आधार पर महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर पहुंचने वाली ट्रेनें शनिवार को 2 से 10 घंटे विलंब रही। ट्रेनों की इस लेट लतीफी से यात्री पिछले 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं। ट्रेनों की बिगड़ी चाल से कुछ यात्रियों ने इंक्वायरी और स्टेशन मास्टर के पास जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कभी मरम्मत के नाम पर तो कभी दूसरे कारणों से ट्रेनों के विलम्ब होने का हवाला दिया जाता है। ट्रेनों की विलंब की यह समस्या यात्रियों के लिए नासूर बन चुकी है। यात्रियों की सुविधा और ख्याल रखने वाला रेल प्रशासन यात्रियों को इस समस्या से कब तक निजात दिलाएगा, यह कहना जरा मुश्किल है। यात्रियों की मांग और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए बिलासपुर बीकानेर का प्रायोगिक ठहराव 2 फरवरी तक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल के चौमहला स्टेशन में दिया गया है। 6 महीने तक इस सुविधा का लाभ यहां के यात्री उठा सकेंगे। रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधा के तहत अब बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस का 8 अगस्त 2023 तक ठहराव रहेगा। शहर में जाम की समस्या आम है। सड़क और चौराहों पर सुबह, दोपहर या शाम को लोग जाम से जूझते नजर आते हैं। इसे निपटने की पहल शुरू हो गई है। शनिचरी रपटा से लगे चौपाटी पर डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के बाद लोगों को काफी हद तक जाम की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर JP हाइट्स विकास समिति के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद भारत माता और मां सरस्वती का पूजन वंदन किया गया। बैंकर्स क्लब बिलासपुर के समन्वयक और JP हाइट्स विकास समिति के अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र और बसंत पंचमी का एक साथ आना एक अद्भुत संयोग है। प्रत्येक सनातनी देशभक्त को इस सुअवसर का लाभ लेना चाहिए। परिसर की कवित्री रश्मि अग्रवाल व नेहा राजपूत ने काव्य पाठ किया। शुभम विहार कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलानंद पांडे ने बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी का आशय भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित करना रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनी के सदस्य और समिति के पदाधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक और बच्चे मौजूद रहे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात।
ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।